तो हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल के अंदर स्वागत है। तो गाइस यार, आज है हमारे पास ये मिनी चोको की एक ख़राब डिब्बी। तो इसका ढक्कन गम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा ढक्कन लेंगे और इसके ऊपर इसको लगा देंगे। ये पूरा फिट आ रहा है इसके। तो गाइस यार, ढक्कन तो पूरा फिट है इसके। और गाइस, इसी डिब्बी का हमने पहले भी एक हैंड फैन बनाया था जो कि आपको काफ़ी पसंद आया था। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इसी हैंड फैन को बनाएंगे इसी डब्बी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ढक्कन के ऊपर सुराख करेंगे बीचों बीच। तो आप नॉर्मली कोई भी स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं और उससे सुराख कर सकते हैं। तो मैं इसके फटाफट से सुराख कर देता हूं। तो आप इसके लिए सोल्डरिंग आयरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ही आसानी रहती है उससे सुराख करने में। तो हमने तो कर लिया सुराख, ये लो अब तैयार है। इसके अंदर हम पेन की निप्पल डालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ख़राब पेन लेंगे और उसको निप्पल निकालेंगे। तो इसकी निप्पल हम बाहर निकालते हैं। आप पेन की जगह कोई भी स्ट्रो भी ले सकते हैं, वो भी इसके अंदर आसानी से काम कर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ख़राब पेन ही लेते हैं, ये किसी काम का नहीं होता है एक बार यूज होने के बाद। तो हमने निप्पल निकाल लिया और इसको साइज चेक करेंगे कि इसके अंदर ये पूरी तरह फिट हो। तो इसके अंदर ये पूरी तरह फिट है और आसानी से घूम भी रही है। तो इसको हम अलग रख देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। और जो हमने पहले भी हैंड फैन बनाया था उसका सुराख इस डब्बी के पीछे है, तो हम इसी से काम चला लेंगे। तो ये निप्पल इसके अंदर पूरी फिट आ रही है और ढक्कन भी हमने आसानी से जड़ दिया है। और ये पहले का सुराख है, इसी सुराख के अंदर हम धागा फिरोएंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम धागा लपेटेंगे। तो हम पहले नॉर्मली आप धागा कोई भी ले सकते हो, लेकिन वो काफ़ी मज़बूत होना चाहिए। तो हम इसको इसके अंदर डालेंगे। तो हमने इसके अंदर फिट कर दिया है और हमें इसे नॉर्मली जो सुराख किया है हमें उसके अंदर फिट करना है। और काफ़ी लूज होना चाहिए फ्रेंड्स, ये अगर टाइट होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो मैं इसको फटाफट से जड़ देता हूँ ऊपर से। और ये हमारी अब तैयार है लगभग प्रोजेक्ट। और अब मेन रोल आता है फ़ैन का। तो हमें क्या करना है, पहले फ़ैन लगाना है इसके। तो आप गत्ते का कोई भी फ़ैन ले सकते हो। तो मैंने ये बहुत ही हल्के गत्ते का फ़ैन बनाया है। फ़ैन आप किसी का भी बना सकते हैं, प्लास्टिक का या गत्ते का, ये इसके अंदर काम कर जाएगा। तो मैं इसको फटाफट से इसके अंदर फिट करता हूँ। और इसके ऊपर फेविक्विक डालनी पड़ेगी हमें, नहीं तो ये बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा फेविक्विक डाल देता हूँ जिससे ये इसका जॉइंट मज़बूत हो जाए। तो ये अब काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक गया है। और अब हम इस धागे को पलटते हैं। तो पहले हम क्या करना होगा, इसके एक हैंडल लगाना होगा। तो आप ये ले लीजिएगा, इसको लगा दें। आप बोतल के कैप के नीचे जो आता है वो भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। तो मैं इस लोहे का इस्तेमाल करूँगा। और आप रिंग भी ले सकते हैं। तो ये गाइस अब पूरी तरीके से तैयार है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी पंखुड़ियों को थोड़ा आकार देते हैं ताकि इसके अंदर हवा का फ्लो आसानी से हो सके। तो हमने पंखुड़ियाँ सही कर दी है। अब इसको प्लेट देते हैं। धागे को आपको बिल्कुल इसी तरीके से समेटना है। तो गाइस यार, हमने फ़ैन चेंज किया है क्योंकि वो फ़ैन हमारा इसके अंदर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। ये काफ़ी हल्के गत्ते का था इसीलिए ये वर्क नहीं कर रहा था। तो हमने मोटे गत्ते का फ़ैन बनाया है। फ़ैन में गाइस थोड़ा वजन होना चाहिए जिससे ये घूमेगा। तो और ये रिंग हम इसके अंदर फिरो देते हैं वापस से। और ये तैयार है अब। तो चलो अब हम इसको ट्राई कर कर देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको धागे को समेट लेना है और अब इसको खींचना है। ये देखिए गाइस, काफ़ी स्पीड में घूम रहा है। तो गाइस यार, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस पर बनाते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।